अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ पीएमसी के हवाले से एक बहुत दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पीएमसी का सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपील का जो फैसला किया गया था उसके हवाले से हियरिंग जो हुई थी 29 जून को, क्या फैसला आया है, एक तो ये है और दूसरा ये कि पीएमसी ने जो सुप्रीम कोर्ट में अब केस की हियरिंग जो हुई है उसके ख़िलाफ़ पीएमसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नहीं। हम आपको बताएंगे सारा ए टू जी, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या फैसला हुआ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर पाएँ। तो व्यूअर, सबसे पहले आपको बताते चले कि केस की जो हियरिंग थी वो 29 जून तक डिले हो गई थी। 29 जून को जब उसकी केस के हियरिंग हुई, केस की समाअत हुई, तो उस पर क्या फैसला किया गया। उसमें ये फैसला किया कोर्ट ने कि एविडेंस बेस हम काम करेंगे, यानी अगर आपको कोई लगता है कि मेरिट्स के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हुई या जो है करप्शन नहीं हुई तो आप हमें एविडेंस दिखाएं। कोई कंप्लेंट्स हैं वो कंप्लेंट्स की डिटेल्स दें, कंप्लेंट्स कौन सी कंप्लेंट्स आई उनकी सारी डिटेल्स दें और साथ ही एविडेंस दें हमें, सबूत एक एक चीज़ का दें कि जो है केस जो है कंप्लेंट्स किस तरह से आई और जो सीट्स हैं वो मेरिट पे गई हैं और मेरिट के ख़िलाफ़ नहीं हुई और या डोनेशन पे सीट्स नहीं गई। तो कोर्ट ने यही कहा कि जो है आप हमें हर चीज़ का एविडेंस दें। उसके बाद जो समात है नेक्स्ट जो है हमारी हियरिंग वो 13 जुलाई को की जाएगी। 13 जुलाई को जो अब है नेक्स्ट हियरिंग इसके हवाले से की जाएगी, 13 जुलाई तक ये जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। इस केस में उन्होंने कोर्ट ने यही फैसला किया कि जो है एविडेंस बेस हम फैसला सुनते हैं, आप हमें एविडेंस प्रूफ दें और जो है हम फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे कि क्या करना है। नंबर वन ये अपडेट थी। नंबर टू पे अपडेट ये थी कि पीएमसी जो है अब इस फैसले के ख़िलाफ़ रीएडमिशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी। तो जो है पीएमसी ने ये फैसला किया है कि वो इसकी पिटीशन जो है वो भी जो है इसके रिव्यू अपील जो है वो दरख्वास्त उसकी जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट में जमा करवाएगी कि इस तरह से जो है हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की गई है और कोई इस तरह का जो था वो सिनेरियो नहीं था और फिर भी जो है हमारी बात नहीं मानी गई। लेकिन चूँकि जो है लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है हमें एविडेंस दिखाएं टिल 13 जुलाई, जब तक वो एविडेंस दिखा देंगे सारी कंप्लेंट्स डिटेल्स के साथ, तो फिर जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो फर्दर फैसला करेगी। तो व्यूवर्स, जिस तरह की आप लोग जानते हैं कि इमरान खान ने भी पीएमसी के इस हवाले से हमायत की कि पीएमसी ने अच्छा किया, कई जो है उन कॉलेजेस की स्टैंडर्डाइजेशन जिनकी क्वालिटीज़ या स्टैंडर्डाइजेशन पर सवालिया निशान था उनकी कैंसिलेशन कर दी। इमरान खान ने भी इसकी अपनी लेटेस्ट जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमायत की। व्यूवर्स, इसके हवाले से पीएमसी के आप जानते हैं कि स्कैम टिकट के टेस्ट जो है 2021 का जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, ऑनलाइन मुनक्किद किया जा रहा है, 6000 उसकी फ़ीस है। इसके हवाले से भी बात की जा रही थी कि 1500 से अचानक 6000 फ़ीस कैसे कर दी गई। ये भी करप्शन का एक और स्कैंडल सामने आया था वीपी अली रजा के हवाले से। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एमडी कैट की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।